हमारा प्रिय मित्रों, सुबह संदेश का नया दिन के लिए हम आपको स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रफुल्ल दास वर्गीस्ती से राजस्थान से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको एक बार और स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसकी 16 से 19 आय तक। दूसरी पत्रोस पहला अध्याय उसकी 16 से 19वीं आय तक में सबसे पहले एक आयत पढ़ना चाहता हूँ जो 17 आयत में है। क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उससे प्रधान हुई महिमा में से एक वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन दिनों में हम दूसरे पत्रों की पत्रियों में से कुछ बातों को बात हम मेडिटेशन के रूप में देखते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग सबके लिए, जो सुनने वाला सबके लिए आशीष के कारण बनेंगे। और एक बार और हमें परमेश्वर इस समय दिया है, इसके लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हम देखते हैं कि इस आयतों में प्रभु यीशु मसीह को पत्रोस तीन प्रत्येक रीति में, यह प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह के संबंध में प्रत्येक तीन बातों को लोगों को बताते हैं। और यीशु मसीह का पत्रोस अपना जीवन में यीशु मसीह को अच्छी तरह समझाया हुआ एक व्यक्ति था। यीशु मसीह का क्या शक्ति और सामर्थ्य उनका जीवन में उन्होंने पा लिया था। और उनको पत्रोस को मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह का आवाज़ कितना अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह का जो शब्द, जो मुँह से निकलने वाले शब्दों की सामर्थ्य कितना अच्छा है, यह पत्रोस जानता था। तो इसलिए पत्रों से तीन बात अपने लोगों को बताते हैं। पहली बात हम देखते हैं कि इसकी 16वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चौधराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आपके उसके प्रभाव को देखा था। इधर हम देखते हैं कि सबसे पहला बात जो पत्रोस प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो दूसरों को बताते हैं, वही है कि यीशु मसीह का सामर्थ्य और उसके आगमन का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्यवान है, ये पत्रोस अपना जीवन में जो अच्छी तरह जान लिया था। और क्योंकि हमें पता है, जब पत्रोस पूरा नहीं रात मेहनत किया, कोई भी मछली जाल में नहीं आया, या वो निराशा में बैठा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह उनसे बोला जो गहराई में जाल बिछाओ। जब पत्रोस प्रभु यीशु मसीह का आज्ञाओं को मानते हुए यहाँ जाके जाल बिछाया, वहाँ बहुत ज़्यादा मछली उस जाल में मिला। हम ये बात वो देखते हैं कि पत्रोस अपने जीवन में जान लिया था प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य कितना अच्छा है, और यीशु मसीह का सुसमाचार अच्छी तरह से समझाया हुआ एक व्यक्ति था पत्रोस। इसलिए पत्रोस दूसरों को इस बातों को बताते हैं या हमें बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्यवान है। दूसरी बात हम उसकी 17वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, यही है कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में पत्रों से ये बताते हैं कि पिता परमेश्वर
यीशु मसीह के बारे में ये बताते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूँ। और इस पिता परमेश्वर पुत्र यीशु के बारे में बताया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। तो यीशु मसीह को दुनिया के लोगों को दिखाते हैं कि ये परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। हम इस संसार के अंदर हम देखते हैं कि अनेक लोग यीशु मसीह को इनकार करते हैं, यीशु मसीह को का आराधना करने वाले लोगों को सताते हैं, या यीशु मसीह को गलत रीति में लोग इंटरप्रिटेशन कर करके पब्लिसिटी कर रहा है, और यीशु मसीह को लोग जानने की इच्छुक नहीं है। लेकिन एक बात सच सारे दुनिया को जानना पड़ेगा, परमेश्वर ये वही बात बताता है कि प्रवेश मसीह के बारे में बता रहा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उनमें प्रसन्न हूँ। और दुनिया के सारे लोग इसको नफरत करें, दुनिया के सभी लोग इसको तुच्छ समझे, दुनिया के सारे लोग या यीशु मसीह को नहीं माने, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिता परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह के बारे में यही बताते हैं कि यही मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उनमें प्रसन्न हूँ। और ये बात पत्रोस दुनिया को बताते हैं, हमें बताते हैं, हमारे द्वारा दूसरों को भी बताते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि उसकी 17 आयत के अंदर हमने देख लिया, अंदर ही हम देखते हैं, जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई। यीशु मसीह के बारे में पत्रों से बताते हैं कि पिता व परमेश्वर से आदर और महिमा उनको उन्होंने पा लिया है, यानी कि यीशु मसीह आदर और महिमा पाया हुआ है, और इसलिए दूसरा किसी भी व्यक्ति का महिमा और आदर उनको नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। यीशु मसीह संसार में आकर यूँ कहा था कि मैं किसी का आदर पाने के लिए नहीं आया, मैं किसी का बड़ा मैंने बहुत समझ करके नहीं आया, लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया, मैं पापियों के लिए आया था। क्योंकि दुनिया के लोग यीशु मसीह को आदर नहीं दिया तो भी यीशु पिता परमेश्वर आदर और महिमा उनको दिया है। तो हम कितना सौभाग्यशाली है कि उस यीशु मसीह का प्रचार हम करते हैं, या उस यीशु मसीह का नाम पर हम आराधना करते हैं, और इस यीशु मसीह का नाम पर हम संगति पाते करते हैं, उस यीशु मसीह के नाम पर हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं। यार पत्रोस दूसरों को ये तीन बात बताना चाहता है, पहली बात यीशु मसीह सामर्थ्यवान, दूसरी बात यीशु मसीह पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र और परमेश्वर का प्रिय पुत्र और प्रसन्न पाया हुआ व्यक्ति है, तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा पाया हुआ एक व्यक्ति है, या महिमा पाया हुआ है प्रभु यीशु मसीह, और आदर पाया हुआ है प्रभु यीशु मसीह। पत्रों से तीन बात दूसरों को बताते हैं। प्यारे मित्रों, ये बात हमारे जीवन में भी आया, ये बात हमारे जीवन में भी आते हैं कि ये सामर्थ्यवान यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह और परमेश्वर की महिमा और आदर पाया हुआ यीशु मसीह, ये यीशु मसीह का नाम लेने के लिए हमें मिला हुआ इस अवसर के लिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रभु के नाम की महिमा करें। आइए इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दें, प्रभु के नाम की महिमा हो।